कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट 26 है ये। इससे पहले हमने FDME TDMA देख लिया था, आज हम CDMA देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक स्टैटिस्टिकल TDMA रह रहा है, तो उससे पहले एक बार सिंक्रोनियस TDMA रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर TDMA में क्या होता था, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, तो ऐसे करके जो फ्रेम बनते हैं नेक्स्ट फ्रेम में आएगा और बताया हुआ है लेट्स से कि कोई तैयार नहीं है तो डेटा चंक्स भेजे नहीं, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो खाली रहेगा। तो ये ड्रॉबैक है एक तरह से सिंक्रोनियस TDMA का। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही इस फ्रेम के पर्टिकुलर डेटा गए तो रिस्पेक्टिवली ये डीमक्स के थ्रू पहुँचा दिए जाएंगे। ठीक है, तो राउंड रॉबिन फैशन फॉलो होता है, फिजिकल लेयर है ये पर्टिकुलरली, और मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है। स्विचिंग में क्या होता था कि अगर तुम्हें याद हो कि लेट्स से डेटा गया जिसको पहुँचाना है हमें लेट्स से डी पे, तो स्विच क्या करता था, यहाँ पे सेंडर एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता था, यहाँ ऊपर ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो राउंड रॉबिन फैशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड सीरियल वे में पहुँचा रहा है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस इज रिक्वायर्ड। तो अगर डी डी के लिए आए तो चेक करेगा एड्रेस और डी को पहुँचा देगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग वेन एवर यू आर ट्रांसमिटिंग द डेटा फॉर द डेटा नो नीड टू अटैच द एड्रेस। मल्टीप्लेक्सिंग के केस में, ऊपर वाले केस में एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। मक्स एंड डीमक्स विल फॉरवर्ड द डेटा इन सम प्री डिफाइंड सीरियल और राउंड रॉबिन फैशन। ठीक, तो ये ऑलरेडी कोई प्री डिफाइंड सीरियल हो या राउंड रॉबिन फैशन में पहुंचा देंगे डेटा को। क्योंकि स्विचिंग में क्या होता था, वेन यू ट्रांसमिट द डेटा फॉर द डेटा द डेस्टिनेशन एड्रेस शुड बी अटैच्ड। तो पहुंचाना कहाँ ये इंपॉर्टेंट होता था स्विचिंग में, सो दैट द स्विच विल डिसाइड कि वाया विच पाथ द डेटा यूनिट विल बी ट्रांसमिटेड, कौन से पाथ में पहुंचेगा डेटा यूनिट। अगर ये डेटा यूनिट डी के लिए है या बी के लिए है तो रिस्पेक्टिवली डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पे पहुंचाएगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम छोटा है मगर बस समझने का कोशिश कर रहा कि सिंक्रोनियस TDMA में क्या होता था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, स्टैटिस्टिकल देख रहे हैं, तो सिंक्रोनियस में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था, लेट्स से कि A1 B1 D1 ऐसे करके हमारे पहले टाइम स्लॉट में गए, सेकंड टाइम स्लॉट में A1 की तरफ से कुछ नहीं गया, B2 गया, मतलब जो तैयार नहीं है वो नहीं है। तो अगर तुम देखोगे कि A1 पहुँचा B1 पहुँचा मगर C की तरफ से कोई डेटा नहीं आया तो ये एम्प्टी रह गया। ठीक है, ये फ्रेम का पार्ट एम्प्टी रह गया। D1 गया फिर E1 की तरफ से कोई डेटा नहीं आया, सेकेंडली A की तरफ से नहीं आया, तो समझ रहे हो गैप आ रहे हैं बीच में, इसका मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और ये है हमारा सिंक्रोनियस TDMA। मगर अब स्टैटिस्टिकल TDMA क्यों यूज़ होता है अब समझ में आएगा तुम्हें, कि इस पर्टिकुलर केस में लेट्स से सेम सिनेरियो है कि A1 B1 यहाँ पे सी नहीं भेज रहा है, D1 और E शुरू में नहीं भेज रहा है बाद में भेज रहा है। तो हम अगर पहले टाइम स्लॉट की बात करें तो A1 ने भेजा, तो A1 लिखेंगे साथ में उसका एड्रेस लिखेंगे कि किसने भेजा है, फिर B1 लिखेंगे फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, सी ने नहीं भेजा तो उसको लिखेंगे ही नहीं, D1 लिखेंगे उसका एड्रेस लिखेंगे और किसी ने भेजा नहीं, तो ये एड्रेस साथ में आ रहा है, तो इससे क्या हुआ वो गैप्स नहीं आ रहे, परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। आगे देखो, ए की तरफ से नहीं आया तो B2 B यानी एड्रेस, फिर D2 D एड्रेस, E2 E एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से भेजा जाएगा स्टैटिस्टिकल TDMA में। तो इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल द टाइम स्लॉट इज अलॉटेड ऑन द आउटपुट लाइन ओनली इफ द लाइन और स्टेशन इज रेडी विद द डेटा। तो स्टैटिस्टिकल में क्या होता है कि टाइम स्लॉट आउटपुट लाइन में तभी आएगा जब डेटा तैयार हो। ठीक है, डेटा जैसे सी का तैयार नहीं था तो नहीं आएगा, ए और बी और डी का तैयार था तो आएगा। ठीक है, सो इन दिस देयर वॉन्ट बी एनी वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ की कोई वेस्टेज नहीं होगी यहाँ पे स्टैटिस्टिकल TDMA में, यूज़ केस हो गया इसका। ठीक है, तो इन स्टैटिस्टिकल TDMA इट्स ऑलवेज बेटर द डेटा यूनिट टू बी ब्लॉक ऑफ द डेटा। अच्छा, यहाँ देखो ये जो है ये इसकी यूनिट डिपेंड करता है, 1 बिट हो सकती है, बाइट हो सकती है, एक ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे ब्लॉक ही कंसिडर होगा क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि देखो ब्लॉक ऑफ डेटा क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटा या बाइट, तो हमें ये चीज़ नहीं पता है कि हमें 1 बिट लेंगे तो फिर एड्रेस कहाँ स्टोर हुआ है ना, तो इसलिए हम ब्लॉक लेते हैं हमेशा, सो दैट मोर डेटा विल बी देयर विद लेस एड्रेस बिट। ठीक है, डेटा भी आए एड्रेस बिट भी आए, सो ओवरहेड कंटेंट या साइज विल बी लेस, तो ओवरहेड जो है वो लेस होगा, साइज कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉक हमने कंसीडर करा है। क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये पर्टिकुलर लास्ट वाली लाइन। तो ये वाला क्वेश्चन है, लेट्स कंसीडर द स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ पैकेट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ सोर्स इज 10, 10 सोर्सेज हैं, तो देख रहे होगे तुम 6 9 3, कभी मतलब कभी सारे सोर्सेज भी 10 भी आ रहा है, कभी 1 आ रहा है ना। इन अ टाइम यूनिट अ सोर्स ट्रांसमिट अ पैकेट ऑफ 1000 बिट्स। ठीक है, तो एक टाइम यूनिट में 1000 बिट का पैकेट होता है, तो समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक का साइज क्या है। द नंबर ऑफ सोर्स सेंडिंग डेटा फॉर द फर्स्ट 20 टाइम यूनिट्स इज, तो पहले 20 टाइम यूनिट्स में दे रखा है रिस्पेक्टिवली। द आउटपुट कैपेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज 5000 बिट्स, यानी मल्टीप्लेक्सर जो है आउटपुट कर सकता है एक टाइम पे 5000 बिट्स। ठीक है, देन द एवरेज नंबर ऑफ बैकलॉग ऑफ पैकेट पर टाइम यूनिट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज, तो एवरेज बताने कितने बैकलॉग हुए। तो यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टेशन सेंडिंग डेटा और यहाँ पे बैकलॉग ऑफ पैकेट्स 0 क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि कोई शुरू में कोई बैकलॉग नहीं है मान के चलते हैं। ठीक है, लेट्स से शुरू में 6 आया, अब 6 स्टेशन जो है वो सेंड करेंगे तो 6000 बिट्स हो जाएंगे, क्योंकि हर एक को 1000 बिट्स करनी है और हम एक्सेप्ट कितनी कर रहे हैं 5000, तो इट मीन्स 1000 रह गया, तो बैकलॉग ऑफ पैकेट एक पैकेट रह गया। क्लियर, वो नेक्स्ट में यूज़ होगा, अगला आ रहा है 9। ठीक है, अगला है 9 आ रहा है, 9 + 1 = 10, तो 10000 बिट्स, बट 5000 की कैपेसिटी है तो 5 जो हो जाएंगे, 5 स्टेशन का डेटा जो है वो बैकलॉग आ जाएगा। 5 आ गया, 5 + 3 = 8, 8 में से 3 बैकलॉग क्योंकि 5 ही हो पाएगा, फिर नेक्स्ट आ रहा है 7 में, ऐसे करके हम चलते जाएंगे, 3 + 7 = 10, 5 बैकलॉग, 5 + 2 इज़ जो बैकलॉग आ रहा है उसको यहाँ लिख दो, उसमें ऐड कर दो 2 फ्रॉम हेयर, 5 + 2 = 7, 7 में से 2 ही बैकलॉग,
फिर टू आ गया, 2+2=4, कोई बैकलॉग नहीं क्योंकि 4 तो आराम से हो जाएगा ना, 5000 बेड की कैपेसिटी है, 4000 भेज रहे हैं। फिर 0+2=2 हो जाएगा, तो 0 बैकलॉग, 0+2=0 क्यों ऐड हो रहा है, पिछले वाला 0, ठीक है, 4 बैकलॉग, ऐसे करके 0+6=1 बैकलॉग क्योंकि एक रह जाएगा। तो ऐसे सो ऑन करेंगे हम 20 टाइम यूनिट्स के लिए जो भी दे रखा है, और लास्ट में जितने भी बैकलॉग आए उनका सम कर देंगे, 89 आ रहा है। तो एवरेज नंबर पैकेट बैकलॉग हो गए 89/20, दैट इज 4.45। ठीक है, तो समझ में हमें ब्लॉक ब्लॉक बनाया हमने, किस तरह से काम हो रहा है हमारा स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स में। अब देखते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। ठीक है, तो इसमें कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस में कोड के थ्रू काम होता है। ठीक है, जैसे हम कोड वर्ड्स यूज करते थे वैसे यहाँ पे ऑर्थोगोनल कोड यूज़ होता है। तो C1, C2, C3, C4 ये कोड है, और ये लेट से 1, 1, 1, 1, 1-1, 1-1 ऐसे करके हैं। तो इसकी खासियत क्या है, अगर तुम देखो C1 को, अगर दो कोड को आपस में C1 और C2 को जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ रहा है, कोई भी दो आपस में अलग अलग कोड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मगर सेम कोड को एक ही साथ खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है। ये चीज़ क्या कहना चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट कोड वर्ड इज ऑलवेज 0 फॉर द ऑर्थोगोनल कोड। ऑर्थोगोनल कोड में दो डिफरेंट कोड वर्ड का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर कोड वर्ड विल ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेशन एलिमेंट। ये 4 स्टेशन के लिए बनाए तो 4 आंसर आया इन द ऑर्थोगोनल कोड। तो यहाँ नोट है कि द रिक्वायरमेंट टू यूज ऑर्थोगोनल कोड इन CDMA इज टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन द सिग्नल। सिग्नल के बीच में इंटरफेरेंस ना हो इसलिए हम ऑर्थोगोनल कोड का यूज़ करते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखोगे तो हमारी चैनल CDMA है, ठीक है, ये डेटा 1 है और सोर्स 1 के थ्रू भेजे जा रहे हैं। तो लेट से D1 की वैल्यू 1 है और C1 कोड है, ठीक है, D इज डेटा और C1 कोड है, C2 कोड है, C3 कोड है, C4 कोड है। ऐसे ही D1 की वैल्यू 1 है, D2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, D4 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अलग अलग 4 स्टेशन के लिए भेजा जा रहा है डेटा और वो कोड वर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रिस्पेक्टिवली। तो चैनल में जो CDMA जो ये एक्चुअल सिग्नल का कोड बनेगा वो D1C1+D2C2+D3CD+D4C4 बनेगा। क्लियर, यानी ऐसे यानी सिग्नल इक्वल टू सिग्मा DICI, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जितने भी चैनल है, ठीक है। और फिर रिसीविंग एंड में लेट से जैसे स्टेशन 2 का डेटा 0 है तो वो रिसीविंग एंड में यहीं पे दिस शुड गेट D2=0, ठीक है। तो ये होगा कैसे, ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 1 है, अगर हमारा डेटा 1 है तो हम उसको +1 मानेंगे, अगर डेटा 0 है क्योंकि 1 और 0 बाइनरी में यही होते हैं तो उसको -1 मानेंगे, ठीक है। +1 को हम +A भी बोल सकते हैं, कोई यूनिट दे सकते हैं, और -1 को हम -A बोल सकते हैं यूनिट, और वरना आइडल का केस है। तो हमारे पास जैसे D1 से लेकर D4 में डेटा जाना चाहिए 1011, तो फिर +A -A +A+A, और कोड वर्ड्स मैंने तुम्हें बता रखे हैं, ये हमारे ऑर्थोगोनल कोड वर्ड्स लेट से ये दे रखे हैं। तो हमारा जो सिग्नल होगा वो D1C1 ऐसे करके चलेगा D4C4 तक सम कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे +A को मल्टीप्लाई करा 1 से तो +A ही आया, फिर 1 से करा फिर +A आया, फिर 1 से करा +A आया, यानी जैसे -A को अगला वाला देखो तो -A मल्टीप्लाई 1 से करा तो -A ही आया, -A -1 से मल्टीप्लाई करा तो +A आया, ऐसे करके हम कर देंगे सिंपल। इसका अभी ऐसे मत कर देना कि 4A कर दिया इसको काट दिया, अभी मत करना कुछ, अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो रिसीविंग स्टेशन ऑल्सो मेंटेन द रिस्पेक्टिव कोड वर्ड, ये तुम्हें पता है कि रिसीविंग स्टेशन जो है वो भी कोड वर्ड मेंटेन करेगा ना, दोनों साइड को कोड वर्ड मिलता है ना, जैसे हम पहले भी देखे थे, तो सेम कोड वर्ड्स होंगे। तो हम लेट से अगर रिसीविंग स्टेशन में R2 को क्या चाहिए, हम क्या करेंगे सिग्नल में C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे अगर हम सॉल्व कर देंगे इसको तो क्या होगा, मल्टीप्लाई एक ही बार होगा, अभी हमें हर किसी के साथ करना है, ठीक है, तो डिफरेंस है, ठीक है, ये एक्चुअल मल्टीप्लाई वाला मतलब मैथ्स वाला काम नहीं है। देखो यहाँ +A+A+A+A है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो +A -A, ठीक है, +/-++-++-, ये मल्टीप्लाई जाए पहला वाला फिर सेकंड वाला करा, ठीक है। अब ये देखो माइनस थे ये प्लस के साइड में, मतलब तो सिंपल मल्टीप्लाई तो पता है ना, 1 को -A से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A ही आता है, -1 को +A से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A आता है, ऐसे करके हमारे आगे लास्ट वाले के साथ करा, सेकंड लास्ट वाले सबके साथ कर दिया। सॉल्व करके देखा तो -A -A 4 बार था, ये -4A हो गए, बाकी सब कट गए। अब नॉर्मलाइज वैल्यू फॉर 4 स्टेशन 4 है, तो 4 में से 4 गया, -A आ गया, यानी ये बता रहे हैं हमें कि 0 आंसर होगा, क्योंकि हमने डेटा की वैल्यू क्या बोलो के ऊपर कि अगर तुम्हें डेटा यूज़ करना है 0 तो -A से कंसीडर होगा, तो वही हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू CDMA।